नमस्कार, स्वागत है आपका डायरी टाइम्स में। मैं आपके साथ सुरभि महाजन आज फिर उपस्थित हूँ मुख्य समाचारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के दिन भर का घटनाक्रम। इस बार के बजट में हर वर्ग के बारे में सोचा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा पेश किया गया इस चौथे बजट को शिक्षा मंत्री डॉक्टर मार्कंडेय ने विकासात्मक बजट कहा है। बजट सत्र के बाद मंत्री भुंतर पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट में हर वर्ग के बारे में सोचा है। स्वास्थ्य की बात करें तो 11% की बढ़ोतरी हुई है। अनुराग ठाकुर बोले, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में खुलेंगे 75 जन औषधि केंद्र। ढलियारा के खूनी मोड़ पर बड़ा हादसा, लुधियाना से धर्मशाला आ रही हाइड्रोक्रेन डाक से टकराई। भाजपा किसान मोर्चा के 3 लाख किसान परिवारों के सदस्यों से कृषि कानूनों के समर्थन में करवाए हस्ताक्षर। कांग्रेस नेता बोले, जयराम सरकार का बजट आंकड़ों का मायाजाल है, अभी तक पिछली घोषणाएं पूरी नहीं और नई घोषणाएं पेश। युवाओं के पास रोजगार का मौका, शाहपुर में 9 मार्च को नामी कंपनी के प्रतिनिधि लेंगे साक्षात्कार। बद्दी में मिला नवजात शिशु का शव, लोगों ने छुड़वाया था कुत्ते के मुंह से और सूचित किया पुलिस को। इंदौरा में पंजाब की गाड़ी से 1,60,000 मिलीलीटर देसी शराब बरामद। वार्षिक परीक्षा से पहले 10वीं और 12वीं कक्षा के प्री बोर्ड एग्जाम कल से। हिमाचल में सरकारी सहित निजी क्षेत्र में भी नौकरियों की बहार, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के ऋण सीमा बढ़ी। किसान आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर तोमर ने कहा, सरकार कानूनों में संशोधन के लिए हो तैयार। पीएम मोदी ने कहा, ममता दीदी ने लोगों का भरोसा तोड़ा लेकिन बंगाल की उम्मीद कभी नहीं तोड़ पाई है। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन चक्रवर्ती। दिल्ली में खुला सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस अस्पताल, फ्री होगी सभी योजनाएं। 9 अप्रैल से शुरू होंगे आईपीएल, 30 मई से फाइनल। 5वें T20 से ऑस्ट्रेलिया को हराकर न्यूजीलैंड ने जीती सीरीज। आर अश्विन का कहना है, विश्व कप फाइनल तक पहुंचने जैसा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। डेविड विलर्स बोले, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने में विराट कोहली को कप्तानी का रहा अहम रोल। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की या अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डायरी टाइम्स।